आ जाइए भाई, यूरी आ जल्दी आ जाइए, मदद कर दे भाई, लाइव चला रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग? यार उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी को मेरे इस प्यारे से व्लॉग में। तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा, हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहे हैं। तो गाइस यार, उधर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको वो सभी नज़ारे दिखाऊँगा और साथ ही साथ यार मैं आपको नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन भी कराऊँगा। तो गाइस आप इस व्लॉग को बिना स्किप के लास्ट तक वॉच करते रहना। और गाइस यार, ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इस व्लॉग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा। और गाइस यार, ये मेरा सेकंड व्लॉग है, तो आई होप आप इसे एंजॉय करोगे। तो चलिए यार, बिना देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हरिद्वार के लिए। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं परी जो है रो रही है। यार ये मेरी भतीजी है, हम इसे लेकर नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए रो रही है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं हम लोग जो है जा रहे हैं यार, रात को हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, सफ़र का मज़ा जो है यार वो रात को ही आता है, दिन में मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम रात को निकल रहे हैं। तो चलिए यार, फिर चलते हैं। अब हम रास्ते में जा रहे थे तो जाते जाते हमको भूख लगने लग गई, इसलिए यार हमने गाड़ी को जो है साइड में लगाया है हाईवे के, और यहीं पर खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हमने सोचा यहीं पर खाना खा लिया जाए। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप भी कभी सफ़र पर गए हो तो आपने भी क्या हाईवे पर ऐसे ही साइड में अपनी गाड़ी या बाइक को लगा कर खाना खाया है, वो भी रात को। तो यार हम सब ने अब खाना खा लिया है और अब हम फिर से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो चलिए यार चलते हैं, मज़ा आ रहा है सफ़र में, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। जैसे ही हम हाईवे पर जा रहे थे तो हमारी गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। जहाँ हमने जैसे ही गाड़ी को साइड में लगाकर देखा था यार, गाड़ी में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, क्योंकि यार हमारी गाड़ी का जो पानी वाला पाइप होता है वो निकल चुका था, जिसकी वजह से उसका सारा पानी सूख गया और गाड़ी का जो तेल था वो फूक गया, जिसकी यार हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। अगर यार हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, और यार अब हम इसे पानी डाल के ठंडा कर रहे हैं, थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे, जब गाड़ी ठंडी हो जाएगी फिर से हम निकलेंगे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं और ट्रक जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में। तो फाइनली यार अब गाड़ी ठंडी हो चुकी है और हम सब दोबारा से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो चलिए चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और एंजॉय करें। फाइनली यार हम लोग जो है पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है यार कितना प्यारा लग रहा है, मन को जो है बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही है। और आप देख सकते हैं सामने गंगा माता बह रही है यार, अगर आपको दिख रहा होगा सामने वहाँ पर जो लाइट पड़ रही है वो मनसा माता मंदिर है यार। जो अपनी गाड़ी लगाई है वो हर की पौड़ी के थोड़ी सी बराबर में ही लगाई है, और जो वो लाइट चमक रही है आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, वो यार मनसा माता का मंदिर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यार इस व्लॉग के अगले पार्ट में मैं आपको माता के दर्शन भी कराऊंगा, तो आप इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि उस व्लॉग का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो यार कमेंट में बताना ये व्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।